जय श्री राम। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये जो बीजेपी सरकार है, ये बीजेपी सरकार सिर्फ एक दिखावे की सरकार है और बोल बच्चन की सरकार है। वो सिर्फ बातें ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया क्या? जैसे आपने सारा इंटरव्यू देखिए, आपसे राम मंदिर के बारे में आपने मुझे पूछा है, तो राम मंदिर क्या उनका जो था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन राम मंदिर उन्हें 4.5 साल हो गया, उन्होंने राम मंदिर के बारे में कोई बात ही किया क्या? क्योंकि उनका तो ये सिद्धांत है कि जो राम मंदिर के बारे में बोलेगा भी ना, उसको पार्टी से निकाल देंगे। आप उन देखेंगे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माने प्रवीण दोगड़िया जी ने, जब उन्हें राम मंदिर के बारे में उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो उनको संगठन से साइड कर दिया गया, उनको खुद का नया संगठन बनाना पड़ा और फिर उन्होंने जाके राम मंदिर का विषय लिया। क्योंकि जब प्रवीण दोगड़िया जैसे इंसान जिन्होंने इतना महान कार्य किया है वो इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठा रहे, तो आज लोगों को पता चल रहा है कि राम मंदिर बनाना चाहिए, राम मंदिर बनाना चाहिए। अरे लेकिन राम मंदिर बनाने का काम तो बीजेपी सरकार का है, और आज जो सरकार है यहाँ पर केंद्र में जो बैठी है बीजेपी सरकार है। अभी महाराष्ट्र की जो सरकार है यहाँ पर बीजेपी शिवसेना मिक्स है। आज शिवसेना के लोग सभी लोग अयोध्या पहुँचे हैं और अयोध्या में सब जय श्री राम का नारा दे रहे, इससे ये खुशी का माहौल है कि उन लोग अच्छा कर रहे। लेकिन उससे राम मंदिर बनेगा क्या? उससे राम मंदिर नहीं बनेगा। राम मंदिर बनाने के लिए कानून सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब आएगा कि राम मंदिर हिंदू बनाए तब राम मंदिर बनेगा, या बीजेपी सरकार कानून बनाए जैसे गुजरात में सोमनाथ मंदिर के लिए कानून बना था, वैसा राम मंदिर के लिए कानून बनाए तब जाके राम मंदिर बनेगा। ये तो सिर्फ दिखावा है, ये सब दिखावा चल रहा है कि हम राम के भक्त हैं, जय श्री राम जय श्री राम। अरे हर हिंदू राम का भक्त है, हर हिंदू जय श्री राम है, हम सब चाहते हैं कि राम मंदिर बने, लेकिन राम मंदिर बने दिखावा नहीं करे। क्योंकि मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब भी राम मंदिर का जो ताला खुला था हमारे राजीव गांधी जी खुलाया था, तो राम मंदिर भी बनेगा तो कांग्रेस सरकार ही बनाएगी, और 2019 में राम मंदिर बनेगा और वो कांग्रेस सरकार बनेगी, कांग्रेस के राज में बनेगा। क्योंकि बीजेपी के राज में राम मंदिर नहीं बनेगा, क्योंकि अगर राम मंदिर बन गया तो फिर बीजेपी में मुद्दा कोई बचेगा नहीं, तो बीजेपी का जब मुद्दा ही बचेगा नहीं बीजेपी लड़ेगी क्या? तो बीजेपी के लिए ये मुद्दा सबसे बड़ा है कि राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो राम मंदिर, जब तो तब तक कोई राम मंदिर के बारे में कोई बात भी नहीं करता है। दिखावा तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, मंदिर मंदिर जाने लगे हैं, पहले मस्जिद जाते थे अभी जनेऊ पहन के घूमते हैं। अगर उनको इतना ही पड़ी है कैमरा के सामने क्यों नहीं बोलते हैं, या फिर कोर्ट में जाके क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ मंदिर बना लो मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ? मतलब कांग्रेस में समाजवादी में शिवसेना में राष्ट्रवादी में कोई भी पार्टी में अगर कोई हिंदू है तो वो हिंदू नहीं है क्या? हर इंसान जो हिंदू है वो हिंदू है, चाहे वो कोई भी पार्टी में रहे। लेकिन बीजेपी का क्या है, ये है कि जो बीजेपी का काम करेगा, जो बजरंग दल में आरएसएस में रहेगा वो हिंदू है, बाकी कोई हिंदू है ही नहीं। ये जो सोच है, ये सोच अपन लोगों की अपन को बदलना है। और जो हिंदू है जिसके मन में राम के प्रति है, जब बच्चा जन्म लेता है और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसको भी जब मृत्यु के समय भी राम राम सत्य है राम राम सत्य ऐसा बोल के उसको, चाहे कोई भी हिंदू हो, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो राम हम सबके हैं, लेकिन हर हिंदू जय श्री राम बोलेगा और हर हिंदू भगवान को मानता है, लेकिन उसमें राजनीति ना करे। हम लोग राम मंदिर के समर्थन में है, लेकिन कानूनी तरीके से राम मंदिर बनेगा ना, कि जो बीजेपी सरकार चाहती है कि झगड़ा हो और वातावरण खराब हो, वो हम नहीं चाहते। जो कोर्ट का आदेश आएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो भी आएगा वो हमको मान्य है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम वेट कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो भी आएगा वो हर हिंदू को मान्य रहे। सर कोर्ट का आदेश कितने सालों में आएगा, आपका कोई गारंटी दे सकते हैं? राहुल जी को एक बार खुल के क्यों नहीं आ रहे हैं जो कि हाँ हम राम मंदिर के पक्ष में हैं? अगर वो बोल रहे हैं हम कट्टर जनाधारी हैं तो राम मंदिर बनना ही चाहिए, इस पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अपने विचार रखें। मैं कहूँगा कि बीजेपी और बजरंग दल आरएसएस एक नारा बहुत पहले से दे रही है कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे, ये हमेशा है। लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा, अगर सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे तो अब तारीख कब बताएंगे? तो आपको वो तारीख हमको बतानी पड़ेगी हर हिंदू में, कि ये 5 साल में अगर तो खत्म होने आ गया, 4.5 साल हो गए बचे हैं 6 महीने, इसके बाद बनाएंगे आने वाले 5 साल में बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? तो अगर इस बार बीजेपी सरकार राम मंदिर नहीं बनाती है तो हर एक हिंदू की आवाज़ आएगी कि बीजेपी को वोट ना दे। अगर राम मंदिर बनता है तो बीजेपी अगर अपने वादे पे है तो बना के दिखाए। आइए बीजेपी को हर हिंदू एक चैलेंज करे, अगर आपने वादा किया है तो राम मंदिर बना के दिखाए, और नहीं तो आप कहे थे कि राम मंदिर हम नहीं बना सकते, ऐसा सबके सामने कहे कि हम राम मंदिर नहीं बना सकते, हम कोर्ट का आदेश का वेट करेंगे। अगर कोर्ट का ही आदेश करना था तो काय को कार सेवक इतने कुर्बानी हुए, काय को कार सेवक इतने मारे गए, काय को इतना दंगा हुआ कि जब राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बनना था तो काय को इतने आंदोलन हुए, मोर्चे हुए, पद यात्रा हुई, उस सबकी क्या जरूरत थी? उस सबकी कोई जरूरत नहीं, मतलब ये सब दिखावा था।
अरे जब कोर्ट के आदेश से बनना तो काय को आप लिखे ना कि हम राम मंदिर बनाएंगे। अगर आपको राम मंदिर बनाना है तो लाइए आदेश पास करिए, आइए संसद में आइए और आदेश लाइए। बीजेपी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि राम मंदिर बने, क्योंकि राम मंदिर अगर बनता है तो बीजेपी राजनीति किस बेस पे करेगी। कि बीजेपी आज जो खड़ी हुई है वो आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की थी। हाँ, आज आडवाणी जी का क्या हाल है यह हम सब जानते हैं। आज उनके ही पार्टी के लोग उनसे कैसा व्यवहार करते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर आप उनके वीडियो देखिए, जिन्होंने पार्टी को इतना बड़ा किया लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी षड्यंत्र है। बीजेपी अब को ये लग रहा है कि हम जो बोलते हैं वही सच है और बाकी लोग जो बोलते हैं गलत है। तो ये लोगों के मन से हटाना पड़ेगा और राम मंदिर बनाना है तो सामने आके बोले कि हम राम मंदिर बनाने के लिए आगे जा रहे हैं और संसद में हम खड़े हो रहे हैं। राहुल जी से बात करिए, हमें तो भाई हिंदुओं को भी मंदिर चाहिए, उनको आस्था का विषय, पक्ष पार्टी से लेना देना तो कुछ होता नहीं। तो विपक्ष एकजुट होकर मंदिर बनवा सकती है क्या? हम सभी को मालूम है कि राम जी का जन्म स्थान अयोध्या में है और अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बनना चाहिए, ये हर हिंदू की अपेक्षा है। लेकिन उसमें जो विवादित जो जगह है, जो विवाद की वजह से चल रहा है, उस पर विवाद क्या है हम सब जानते हैं। ये सिर्फ राजनीति का एक षड्यंत्र बन गया है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ हिंदुओं के ठेकेदार बने बैठे हैं, लेकिन वो खुद नहीं चाहते कि लोगों से जाके हम बात करें, उनकी भी मांग करें। तो ये जब बात करने से अगर विषय हो सकता है तो झगड़ा और कुछ करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो हर हिंदू, अभी जो युवा पीढ़ी है वो सब समझदार हो गई है, डिजिटल इंडिया चल रहा है, सभी पढ़े लिखे लोग हो गए। वो बहुत समय था कि जो युवा, मैं चाहता हूँ कि जो इसके ठेकेदार है या तो ठेका ले लें या तो अपने ठेका छोड़ दें। ठेकेदार जो है बीजेपी लोग या तो राम मंदिर बनाए और पहल करें तो सब उसको साथ जुड़ेंगे, या तो पहल छोड़ दे कि भाई हम राम मंदिर नहीं बना सकते तो फिर कांग्रेस सरकार उसको बनाएगी। राम मंदिर पे जब ताला लगा हुआ था तब उस समय भी सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेस के सरकार होने के बावजूद राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया और वहाँ पर राम भक्तों को दर्शन करने की, पूजा करने की वहाँ पर परमिशन दी गई। तो ये किसने कराया? कांग्रेस के सरकार में राजीव गांधी जी ने कराया। उसी तरह से अगर भव्य मंदिर बनाना है तो आपको उसी तरीके से कोर्ट का आदेश जो है उसका हमें इंतजार करना चाहिए, ना कि कोर्ट का आदेश सबके लिए मान्य है और सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देगी, जिसकी भी पक्ष में देगी, वो पक्ष हमें मान है और हम सभी को पता है कि वहाँ पर भव्य राम मंदिर ही बनेगा। लेकिन वो कोर्ट के आदेश के लिए हमें उसका वेट करना चाहिए, ना कि किसी और राजनीतिक पार्टी के बहकावे में आके या कोई गलत डिसीजन ना लेना चाहिए। ये मैं सभी से अपेक्षा है, क्योंकि जो कार सेवक जो गए थे वहाँ पर, जो आज हमारे बीच में कार सेवक नहीं है, जिनका वहाँ देहांत हो गया, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके परिवार को जाके आप मिले, उनके परिवार आज कितने दुख में तकलीफ में कि भव्य श्री राम जी का मंदिर बनाने गए थे लेकिन मंदिर नहीं हुआ, वहाँ दंगा हो गया, लोग वहाँ मारे गए। लेकिन उनका परिवार की आज जो कंडीशन है वो एकदम खराब कंडीशन है। तो वो कंडीशन ना हो, बिना झगड़े के, बिना विवाद के, प्यार मोहब्बत से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बने, ये हमारी अपेक्षा है। और अगर बीजेपी सरकार राम मंदिर नहीं बना पाई तो कांग्रेस सरकार उसको बनाएगी।